अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इट्स अ सुजुकी स्विफ्ट। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल, इट्स अ 1200 सीसी इंजन कैपेसिटी कार, अवेलेबल विद इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है विद फुल ऑप्शनल कार। गाड़ी की अब तक की ड्रिवन माइलेज है 14,000 किलोमीटर्स और इसकी जो डिमांड की जा रही है दैट इज 47 लाख 47 लाख रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन विद द फैसिलिटी ऑफ फॉग लैंप्स। बैक साइड को भी बहुत ही डिसेंट लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें ब्रेक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है इन अ वेरी यूनिक शेप विद द फैसिलिटी ऑफ 4 पार्किंग सेंसर्स एट द बैक साइड अलोंग विद द फैसिलिटी ऑफ बैक कैम। फ्रंट डोर्स आर अवेलेबल विद कीलेस एंट्री। ब्लैक इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर प्रोवाइड किया गया है जिसमें पावर विंडोज, विंडोज एंड डोर्स लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर अवेलेबल है विद रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ बैक साइड के दोनों डोर्स भी अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है पावर विंडो, बॉटल होल्डर और इंस्टॉल्ड स्पीकर। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। ब्लैक इंटीरियर के साथ इसका रूम अवेलेबल है इन अ वेरी फाइन कंडीशन। डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद एसी ग्रिल और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है 2 एसी की ग्रिल्स, हैजर्ड लाइट्स का बटन, एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल प्रोवाइड किया गया है विच इज इन टच शेप और इसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल जो कि बटन और नॉब शेप में अवेलेबल है। ड्राइविंग साइड पर प्रोवाइड की गई है एसी की ग्रिल विद द फैसिलिटी ऑफ पुश स्टार्ट बटन और इसके बॉटम में मौजूद है ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर, पार्किंग लाइट्स को ऑपरेट करने का फीचर और हेडलाइट्स की बीम को एडजस्ट करने के लिए रोटेटर का फीचर प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन और इसमें कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ एन एयर बैग। और इसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो हियर वी गो, सो दिस इज द स्टार्टअप। राइट साइड पे 220 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है, लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम मीटर मौजूद है और इसके मिड के सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है एक डिजिटल पैनल जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल विच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड, काफी अनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पेडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट बोथ सीट्स आर अवेलेबल इन फैब्रिक स्टफ विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे अवेलेबल है 12 वोल्ट की एक पोर्ट विद अ पोर्शन जिसमें आप अपने सेलफोन वॉलेट या कीज को कैरी कर सकते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स, ऑटो ट्रांसमिशन लीवर विद हैंड ब्रेक लीवर और इसी के साथ प्रोवाइड किया गया है आर्म रेस्ट जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड में अवेलेबल है मिरर की फैसिलिटी और सेकंड सीटर साइड के शेड में भी मिरर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और इन दोनों शेड्स के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको बताता चलूँ आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी अनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड के रूम में। सेकंड सीटर की बैक साइड पे ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स आर अवेलेबल इन फैब्रिक स्टफ विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस जिसके अंदर लगेज की एक बहुत ही इनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। बट अगर लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो तो बैक सीट्स फोल्डेड कंडीशन में अवेलेबल है बिकॉज इसके बूट का एरिया इसके रूम का हिस्सा है, इट इज नॉट सेपरेटेड एंड लाइट पैनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड।
सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तो डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।